आज से 42 वर्ष पूर्व हमने बरेली में एक छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट किया था। उसके बाद आज काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के नाम से। इसमें देश विदेश के पेशेंट आते हैं और उसके बाद ये देखा कि दिल्ली के पेशेंट सबसे ज़्यादा थे और बाहर के पेशेंट भी आते थे, तो लोगों की बहुत रिक्वेस्ट करने पर जो है हमको दिल्ली में आना पड़ा और यहाँ अपना हॉस्पिटल खोलना पड़ा। उससे ये फ़ायदा हुआ कि बाहर के जो फॉरेन कंट्री के पेशेंट जो हैं वो नहीं आ पाते थे बरेली के अंदर, उनकी प्रॉब्लम थी, तो अब है यहाँ पर जो अभी 2 महीने ही हुए हैं और काफ़ी पेशेंट बाहर के भी आने शुरू हो गए हैं। और इसकी विशेषता ये है जो कि मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी के अलावा कुछ नहीं है और रेटिना का इलाज अभी पूरी दुनिया में नहीं है। इसमें रेटिना में जो बीमारियां हो जाती हैं, जो फेमस बीमारियां हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजनरेशन, आरपी, कलर ब्लाइंडनेस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि अब तक पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। इसको हम ठीक अपने बरेली के हॉस्पिटल से ठीक कर रहे हैं। वहाँ से जो है हमको यहाँ दिल्ली में हमें सेंटर खोलना पड़ा और दिल्ली में हमारे पास पेशेंट जो है फॉरेन के भी आते हैं और साथ में दिल्ली के पेशेंट बहुत आते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल डॉक्टर वासु हॉस्पिटल है वो आखिर क्यों इतनी जल्दी में प्रोग्रेस कर गया, क्या कारण है कि बाहर के पेशेंट भी आते हैं, लोकल भी दिल्ली के पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट मेरे पास आते हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि दुनिया के डॉक्टर जो है सर्जरी करते हैं मोतियाबिंद के लिए, परंतु हम बिना सर्जरी के जो है हम मोतियाबिंद ख़त्म कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी पेशेंट जो है वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, वो क्योंकि ऑपरेशन के अपने बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन 20-25% लोगों में जो है वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अगर सक्सेसफुल हो भी जाती है तो 10 से लेकर 15, 20, 25, 50, 100% रिजल्ट आ भी जाता है, वो धीरे धीरे ड्यूटरेशन होते तो 5 साल के अंदर जो है वो विजन दोबारा लॉस हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो रेटिना है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका रेटिना भी वीक होता चला जाता है। साथ में और बीमारियाँ जो ऐसी हैं जैसे आपके डायबिटिक हो गई है, डायबिटिक वैसे पर्दे में जो है नसें सूख जाती है, ब्लीडिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से या आरपी हो गई है, रेटिनल पिगमेंटोसा हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ओल्ड एज जो है मेन काज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये ऐसे ऐसे जो है रेटिना वीक होता जाता है, यही वजह है कि ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट जो है दोबारा ब्लाइंड होने लगता है। ये हमारे इसकी स्पेशलिटी क्या है, वो आखिर डॉक्टर वासु हॉस्पिटल में क्यों आते हैं, उसका क्या कारण है? एक तो ये है कि हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट देते हैं, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मुझे 42 साल हो गया इस ट्रीटमेंट को देते हुए, परंतु आज तक सबसे अच्छी बात यही है किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर किसी भी पेशेंट के लिए, अगर मेरे पास 1000 पेशेंट आया है, 1000 में से 1 ही 2 की भी आँख जो है डिटोरेट कर गई है या विजन लॉस हो गया है, वो मेरे लिए बहुत दुखदायी हो जाएगा। उसको उसकी कंप्लेंट इतनी हो जाएगी कि मुझे प्रैक्टिस भी करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। परंतु सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज तक किसी भी पेशेंट की कोई शिकायत नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 मिनट के अंदर जो है आँखों की रोशनी हमारी दवाई से वापस आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम 2 से 4-5 महीने ट्रीटमेंट करके उसे काफ़ी हद तक जो बचा ले जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आजकल मॉडर्न में हमको उस जैसा कहते हैं देश वैसा पर करना पड़ता है हमको, क्योंकि एलोपैथिक बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में आ चुका है और सर्जरी बहुत ही बड़े इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। पेशेंट वहाँ जाता है तो वो कहता था हमें इतनी मशीनों में बिठाला गया, इसके डायग्नोज किया गया, आपके पास क्या है, तो हमको उस हिसाब से चलना पड़ता है। हमने भी अपनी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ओसीटी वगैरह जो है और टेस्टिंग वेस्टिंग है, जस्ट बिल्कुल मॉडर्न टाइप से जो हमने अपना सेटअप किया है, जिससे पेशेंट को ये ना लगे कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आयुर्वेदिक डायग्नोस हम जरूर करते हैं, मशीनों से करते हैं, परंतु ट्रीटमेंट हम सारा जो है आयुर्वेद के हिसाब से देते हैं। आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सेफ़ है, और मेरे अलावा दुनिया में कोई डॉक्टर जो है किसी भी पैथी पे जो है किसी सिस्टम से जो है
आँखों की रोशनी इतनी तेज़ी से नहीं लाता जितनी तेज़ी से हम लाते हैं। आँखों की कोई भी बीमारी हो, कोई भी ऑपरेशन हो चुका हो, आँखों में कितने ही इंजेक्शन क्यों ना लग चुके हों, लेज़र क्लासिक लेज़र क्यों ना हो चुका हो, सब में विज़न हर हालत में आता है और कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 42 साल हो गए। इसकी सफलताओं को देखते हुए मैंने दिल्ली में लोगों के डिमांड पर, बहुत ज़्यादा कहने पर, एक सेटअप अपना यहाँ खोला है। इसी तरीके से जो है एक सेटअप जो है पूरे इंडिया में खोलने की इच्छा हो रही है कि जिससे कि हम लोगों को अंतर से मुक्त कर सकें और जिससे कि लोगों को इसका राहत दे सकें, क्योंकि किसी भी पैथी में रोशनी वापस लाने का पॉसिबल नहीं है और ना आज तक रोशनी ला सका है। हम 42 साल से रोशनी ला रहे हैं, चाहे वो आँखों में कोई बीमारी हो, कोई भी ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर क्यों ना हो। आज एक केस आया, हूँ फिलिया का आया, जिसमें आँखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी थी, लगभग ख़त्म हो गई थी, उसको भी ठीक किया हमने। इसलिए हर बीमारी को आँखों की हम ठीक कर रहे हैं और यही इसीलिए अपना टारगेट या अचीवमेंट जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम भारत सरकार से भी सहयोग चाहते हैं कि जिससे ये हम ये इसको सहयोग करें, हम दुनिया की अंधता को मिलकर के दूर कर सकें। मैंने अपने उस अपने हिसाब से मैंने देश विदेश में बहुत से आई कैंप, फ्री में आई कैंप किए हैं और अब भी आगे करने का सोच है कि मैं और फ्री कैंप करूं, जिससे गरीब लोगों को जो है एक सस्ती दवा फ्री में दवा मिल सके। हमारा टारगेट यही है कि दूर दराज से गाँव में जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, ऑपरेशन की फैसिलिटीज नहीं है, ट्रीटमेंट स्टाफ पर नहीं है, एक सस्ती से सस्ता मेडिसिन जो है उनको मिल जाए। बहुत कुछ देखने में आया कि लोगों की डेथ मोतियाबिंद की वजह से या और की वजह से जो है वो ना होने की वजह से, ना देखने की वजह से जो है वो जीवन अंधे रहते हैं और उनका जीवन बेकार हो जाता है। इस जीवन को बेकार को ठीक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो है हम सबका सहयोग चाहते हैं। हमारा इसमें स्टाफ हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, हमारा बेटा मनदीप सिंह भी सहयोग कर रहा है और साथ में जो है इसको बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत से लोग जो है इसमें हेल्प कर रहे हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। हम चाहते हैं दुनिया की अंधता को ख़त्म करना। उसके लिए पहले हम अपने भारत से शुरू करते हैं। भारत में जो है हम अपना जो है 8-10 जगह इसी तरीके का सेटअप करेंगे जिससे कि जो है हम लोगों की आँखों को बचा सकें। दूसरा, हमारे पास जो है शलाक तंत्र के डॉक्टर बहुत कम हैं। उसके लिए एक ट्रेनिंग कोर्स का हमने 3 महीने का शुरू कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग कोर्स में जो है जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट यहाँ देते हैं, उसी तरीके ट्रीटमेंट हमारे BMS डॉक्टर, BGMA डॉक्टर्स जो किए हुए हैं, उनको हम 3 महीने ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से जो है हम लोगों को अंधा होने से बचा रहे हैं, जिससे कि यह होगा कि आप इस नेटवर्क को पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बचा सकें। मेरा एक विज़न है, एक सपना है कि जिस तरीके से जो है पोलियो से लोगों को पोलियो से मुक्त किया गया है, इसी तरीके से अंधता को इस दवाइयों से मुक्त किया जाए।